बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासन ने हाल ही में 4000 से ज्यादा अधिकारियों के नियम विरुद्ध ट्रांसफर कर दिए हैं। बीओबी उच्च प्रबंधन के इस फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी 800 शाखाओं में विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। गुरुवार 13 जून को भी सभी शाखाओं में प्रदर्शन जारी रहा। राजस्थान अंचल के उपाध्यक्ष जनार्दन चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान के 300 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर दूर राज्यों में कर दिया है, वहां जाकर कार्य करना संभव नहीं है। बैंक प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ फिलहाल अधिकारियों की ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। अगर बैंक प्रबंधन ने नियम विरोध किए गए तबादलों को रद्द नहीं किया तो आंदोलन को उग्र करते हुए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता दरबार ने बीओबी यूनियन के यशवंत भारद्वाज से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जरूरतों को पूरा करता है इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सेविंग, लेकिन जब बैंक के कर्मचारी ही परेशान हो तब इनका दुखड़ा कौन सुनेगा। इसीलिए आज ये लोग आए हैं मीडिया कर्मियों के पास अपनी परेशानी बताने। क्या इनकी परेशानी है जानते हैं इन्हीं से। सर, क्या कुछ आप लोगों की परेशानी है? हमारे बैंक में अभी कुछ समय पहले कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर, कुछ नहीं, करीब 4000 अधिकारियों के ट्रांसफर राष्ट्र भर में किए गए, जिसमें से राजस्थान भर में 400 के करीब अधिकारियों को एक जोन से दूसरे जोन में, दूर दूर दूसरे जोन में, जैसे बीसीसी है मुंबई में और राजकोट, पुणे, गुजरात और हैदराबाद, इस तरह के एरिया में भेजा गया है। यहाँ से लखनऊ भी बहुत सारे लोगों को भेजा गया है। हमारा बैंक से एक हमारी जो डिमांड है इसको लेके सभी अधिकारी साथी उद्वेलित हैं, क्योंकि हमारे बैंकिंग के इतिहास में, हमारे बैंकों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से एक टेन्योर का क्राइटेरिया, 10 साल का क्राइटेरिया बना के सभी अधिकारी साथियों को उठाया हो और इस तरह से ट्रांसफर किया गया। हमारे यहाँ ट्रांसफर की एक पॉलिसी है, बैंक के बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग एक ट्रांसफर पॉलिसी बैंक के बोर्ड द्वारा और अधिकारी साथियों के संगठनों द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक पॉलिसी का निर्माण किया गया है, जिसके तहत हमारे यहाँ ट्रांसफर गवर्न होते हैं उस पॉलिसी। भारद्वाज जी, फिर ऐसी क्या क्या कुछ कारण रहे कि एकदम से इतने सारे लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया? कारण हमारे समझ से बाहर है, अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। बैंक से हम पूछ रहे हैं, हमने बैंक के पास रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, हमने बैंक से मीडिएशन की भी कोशिश की, लेकिन जब सारी चीजें हमारी नहीं मानी गई, जब सारी चीजें व्यर्थ गई, तो फिर हमारे संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है और अभी हमारा सांकेतिक आंदोलन कल से 12 तारीख से शुरू हो गया, 12, 13, 14, 15 और अभी का जो प्रोग्राम है जिसमें हम ब्लैक बेल्ट बीयर के साथ और अपना सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए शाखाओं में काम कर रहे हैं और बिजनेस आर के बाद शाम को करीब 5:30 बजे राजस्थान जोन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपके इस आंदोलन की वजह से आम जनता को कोई तकलीफ? अभी आम जनता को हम नहीं चाहते किसी भी आम जनता को कोई परेशानी हो। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल बैंकर्स और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति भी है, हमारे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी है, अपनी नौकरी के प्रति भी है। लेकिन हमारे बैंक में जब एक पॉलिसी डिसाइड है तो उस पॉलिसी का वायलेशन हमारे अधिकारों पे कुठाराघात है। इसी के साथ बैंक के हम काफी समय से बैंक से विभिन्न मुद्दों की मांग करते रहे हैं, जैसे कि हमारे अधिकारियों के पर्क्स को लेके बैंक में रिवीजन नहीं हुआ है काफी टाइम से, बहुत टाइम से। हमारे लास्ट पर्क जो रिवाइज हुए थे वो करीब 8-9 साल पहले हुए थे। अभी बैंक का बिजनेस पिछले 2 साल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी, 14,000 करोड़ और इस साल 17,000 करोड़ का हमारा बैंक ने जब प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी साथियों के पर्क्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर आप बैंक के रिक्रूटमेंट की, बैंकों के रिक्रूटमेंट की बात करें तो पिछले कई सालों से, 5-6 सालों से हमारे यहाँ कोई रिक्रूटमेंट किसी तरह की नहीं हुई है। इस दौरान जितने भी लोग रिटायर हुए, और हाँ टोकूंगा, आपने कहा काफी लंबे समय से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद भी करीब 4,000 से 5,000 लोगों को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उससे क्या कोई पोस्ट वेकेंट नहीं हो रही? सर, पोस्ट ऑलरेडी वेकेंट है। हमारे एक एक साथी को 2-2, 3-3 अधिकारी साथियों का काम करना पड़ रहा है। रात को 8-9 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो रही है। लोग डिप्रेशन के, बीपी के, शुगर के, आप मानिए 35 साल 36 साल 38 साल के लोग शुगर, बीपी और डायबिटीज के पेशेंट हैं बैंकों में। बैंक हम ये जो अतिरिक्त दबाव हमारे अधिकारी साथियों पर पड़ रहा है और जो उनके परिवार को इसके लिए भुगतना पड़ रहा है, हमारे अधिकारी इससे बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं और इसलिए हमारा एजिटेशन का प्रोग्राम है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजिटेशन का प्रोग्राम हमने बैंक को दिया है। 15 तारीख के बाद में अगर मान लीजिए आपका बैंक मैनेजमेंट अगर आपकी बात नहीं मानता है
तब आपका क्या कुछ एक्शन रहे? हमारा अभी जो सिंबॉलिक एजिटेशन है, बैंक से शांतिपूर्ण हमारा निवेदन है कि हमारी सभी मांगों को सुना जाए, टेबल पे बैठ के इन चीजों को डिस्कस किया जाए, जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसका वायलेशन नहीं हो। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आंदोलन की राह अपनाने के अलावा। और अभी हमारे संगठन ने अगले महीने 12 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का एक आह्वान किया है, और 12 जुलाई को बैंक हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन ने एक के जितने भी सभी मेंबर्स हैं वो एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे हिंदुस्तान भर में। क्या आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हैं जो कि इतने हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो ट्रांसफर कर दिए गए अलग अलग जगह, वो भी बिना कोई कारण बताए, उस वजह से ये सभी जो बैंकिंग कर्मचारी हैं इनके अंदर आक्रोश है। 12 से 15 जुलाई तक सांकेतिक ये अपना आंदोलन चलाएंगे, 15 तारीख तक अगर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है तब फिर ये एक बड़े आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आशा है बैंक मैनेजमेंट इनकी बात सुने और बैंक के जो नियम है उस हिसाब से इनके जो भी ट्रांसफर किए गए अगर वो अनुचित हैं तो उन्हें वापस से सही किया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।